हेलो फ्रेंड, मैं शिवानी मिश्रा, स्वागत है आप सभी का डिज़ाइनपुर में। आज बैक ब्लाउज डिज़ाइन बताएंगे। ब्लाउज की लंबाई मैंने 13.5 इंच रखी है, शोल्डर की चौड़ाई 6 इंच रखे हैं, आरमोल की लंबाई 6 इंच है। ब्लाउज का साइज अपने अकॉर्डिंग रखिएगा, 3 इंच की चौड़ाई देते हुए गले की मार्किंग कर देते हैं। नीचे के साइड भी 3 इंच की चौड़ाई पर मार्क कर देंगे। दोनों मार्क को बिल्कुल बराबर करते एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब गले की लेंथ लेंगे तो आप देखिए, मैं वीडियो में गले की लंबाई 10.5 इंच रख रही हूँ। 10.5 पे मार्क करेंगे और बिल्कुल बराबर में लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। मैंने गले की डिज़ाइन का मार्किंग कर दिया है। अब देखिए डिज़ाइन का मार्क करें, कैसे मार्क करें आप वीडियो में देख लीजिए। तो मैंने गले की डिज़ाइन का मार्किंग कर दिया, इसको थोड़ा सा डार्क करेंगे, डिज़ाइन डार्क रहेगा जिससे हमें दूसरे साइड से भी ये मार्किंग लेनी है। तो मैंने ये डार्क कर दिया, थोड़ा सा प्रेस कर दिए हैं, देखिए दूसरे साइड से मार्क आ चुका है, इसको हम डार्क कर लेंगे। तो मेरा इस साइड से भी मार्किंग हो चुकी है, देख लीजिए। तो मैंने दोनों साइड से अच्छे से मार्क कर दिया। मैंने ये ब्लाउज़ का कपड़ा लिया है। अब ब्लाउज़ के कपड़े के साथ में हम बुकरम लेंगे, हमें डिज़ाइन बनाना जिससे हमारा डिज़ाइन टाइट रहे। तो मैंने ये बुकरम ले लिया है, देख लीजिए। अब तीनों को हम बराबर में फैलाएंगे। सबसे पहले हम बुकरम फैला लेते हैं, अब इसके ऊपर हम ब्लाउज़ का कपड़ा फैला देंगे और इसी के ऊपर हम अस्तर का कपड़ा ले लेते हैं जिस पर हमने मार्किंग किया डिज़ाइन का। तो मैंने अच्छे से तीनों कपड़ों को ले लिया है। अब इन तीनों कपड़ों को हम एक साथ में स्टिच करेंगे। देखिए अस्तर और बुकरम और कपड़े को, ब्लाउज़ के तीनों के गले को देखिए कैसे स्टिच कर रहे हैं, आप वीडियो में देख रहे हैं। सेम इस तरीके से गले की डिज़ाइन को पूरा स्टिच कर लीजिएगा मार्किंग के ऊपर से ही। तो मैंने देखिए अच्छे तरीके से गले पे पूरा स्टिचिंग कर लिया है सिलाई लगाते हुए। अब इसकी कटिंग करेंगे, तो देख लीजिए मैं कैसे कटिंग कर रही हूँ। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो इस तरीके से कट करके निकाल देते हैं। तो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक पूरा देखिए कट करके निकाल दिया है। अब गले पे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे जिससे हम पलट कर जब इस गले को सीधा करेंगे तो हमारा गले का डिज़ाइन सेम आएगा। तो पूरे गले पे छोटे छोटे कट लगा दीजिएगा। तो मैंने देखिए पूरे गले पे छोटे छोटे कट लगा दिए। अब इसको हमें पलट कर सीधा करना है, तो आप वीडियो में देखिए मैं कैसे इसको पलट कर सीधा कर रही हूँ। इस तरीके से डिज़ाइन को पलट कर सीधा कर लीजिएगा। तो मैंने देखिए डिज़ाइन को अच्छे तरीके से पूरा पलट कर सीधा कर दिया। ब्लाउज़ के गले को पूरा देखिए पलट कर सीधा कर दिया है। अब एक सिलाई लगाते हैं, उसके हम अच्छे तरीके से फिनिशिंग की स्टिचिंग करेंगे। तो आप वीडियो में देखिए मैं कैसे स्टिचिंग कर रही हूँ, इसे कर दीजिएगा। Thank you.
तो देखिए मैंने पूरे गले पे फिनिशिंग की स्टिचिंग कर दिया है। अब ब्लाउज़ के ऑल राउंड स्टिचिंग करेंगे। अस्तर कपड़े को बिल्कुल बराबर करते हुए हम पूरा फैला लेते हैं और एक सिलाई लगाते हैं। हम ब्लाउज़ की पूरी ऑल राउंड स्टिचिंग करेंगे। आप वीडियो में देखिए इस तरीके से कर दीजिएगा। तो देखिए मैंने कम्प्लीटली पूरे ब्लाउज के अच्छे तरीके से स्टिचिंग कर दिया है। हम नीचे के साइड से हम ट्रक्स की स्टिचिंग करेंगे। तो अच्छे से माप लेते हो ट्रक्स की स्टिचिंग कीजिएगा। इस तरीके से हम दोनों साइड से ट्रक्स को स्टिच कर लेते हैं। तो मैंने देखिए दोनों साइड से ट्रक्स को स्टिच कर दिया। नीचे के साइड से ये फैब्रिक ज्वाइंट किए। इस फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे, ब्लाउज के साथ में ज्वाइंट करते एक सिलाई लगाएंगे और इसकी पूरी स्टिचिंग कर लेंगे। तो देखिए ब्लाउज की पूरी कम्प्लीटली स्टिचिंग हो चुकी है। अब इसकी हमें डिज़ाइन करना है, तो इस पर हमें डेकोरेशन करना है डिज़ाइन पे। तो लेस लेंगे और लेस को बिल्कुल बराबर करते हुए पूरे गले पे स्टिच करेंगे। तो आप देख लीजिए जिस तरीके से हमारा डिज़ाइन है सेम उसी तरीके से कॉर्नर से करते हुए लेस को हम पूरा स्टिच करेंगे गले पर। तो देखिए मैंने कम्प्लीटली पूरा गले पे लेस की स्टिचिंग कर दिया है। अब इसको हमें डेकोरेट करने के लिए मोती लिए हैं, बड़ी वाली मोती लीजिएगा। अब देखिए मैं कैसे इसको डेकोरेट कर रही हूँ, सेम इस तरीके से डेकोरेट कर लीजिएगा। तो जिस तरीके से मैं मोती लगा के दिखा रही हूँ इस तरीके से हम पूरा मोती लगा लेंगे जितने भी डिज़ाइन इसका बनाए हुए हैं। तो देखिए मैंने जिस तरीके से इस साइड से मोती लगाया उसी तरीके से दूसरे साइड भी लगा देंगे। तो मैंने ये मोती पूरा लगा दिया। मेरी ब्लाउज डिज़ाइन बिल्कुल कंप्लीट है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा मेरी नई अपडेट पाने के लिए। चलिए फ्रेंड मिलते हैं नए वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।